हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीतू और ट्रिपल सी के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के कुछ मेन इन्वेंशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाकस के बारे में, जो दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसका यूज एड, सबट्रैक्ट और काउंटिंग करने के लिए किया जाता था। काउंटिंग करने की वजह से ही इसे काउंटिंग फ्रेम भी बोला जाता था। अबाकस का इन्वेंशन 16th century में चाइना में किया गया था। बात करें इसके टाइप की तो अबाकस के 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला चाइनीज अबाकस, दूसरा जापानीज अबाकस और तीसरा मॉडर्न अबाकस। दोस्तों, आज के टाइम में मॉडर्न अबाकस का यूज किया जाता है। यह है मॉडर्न अबाकस, जिसके ऊपर वाले बीट्स यानी मोतियों को हेवनली बीट्स और नीचे वाले मोतियों को अर्थली बीट्स बोला जाता है। अबाकस के बाद बात करते हैं नेपियर बोन्स की। नेपियर बोन्स को सर जॉन नेपियर ने 1640 में बनाया था। इसका यूज मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर और क्यूब रूट जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट इन्वेंशन के बारे में, जो है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का यूज मल्टीप्लाई, डिवाइड और लॉगरिथम जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। यह दिखने में एक रूलर के जैसा होता था, जिसमें एक सेंट्रल पार्ट होता है जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव होता है, जिससे हम इजीली कैलकुलेशन कर पाते हैं। स्लाइड रूल को सर विलियम ऑर्टर ने 1622 में बनाया था। स्लाइड रूल के बाद बात आती है पास्कलिन की। दोस्तों, पास्कलिन दुनिया की पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिसका यूज ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता था। पास्कलिन का इन्वेंशन सर ब्लेस पास्कल ने 1642 में किया था, जिसकी वजह से इस मशीन का नाम भी पास्कलिन पड़ गया। नेक्स्ट इन्वेंशन आता है डिफरेंस इंजन। दोस्तों, डिफरेंस इंजन एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है, जिसका यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पॉलीनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन सर चार्ल्स बेबेज ने 1822 को किया था। नेक्स्ट इन्वेंशन आता है एनालिटिकल इंजन। दोस्तों, एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जो डिफरेंस इंजन का ही अपडेशन था। एनालिटिकल इंजन की तरह ही ये कैलकुलेशन कर सकता था, बट उससे अपर लेवल की, क्योंकि ये उसका अपडेट वर्जन था। इसे भी सर चार्ल्स बेबेज ने 1834 में बनाया था। फिर बात करते हैं टैबुलेटिंग मशीन की। यह पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, जिसका यूज जनगणना के लिए किया जाने लगा। टैबुलेटिंग मशीन को सर हरमन होलिथ ने 1880 में बनाया था। इसमें स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड पेपर के कार्ड होते हैं, जिसमें डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए राउंड होल किए जाते हैं, और इन्हें भी सर हरमन होलिथ ने बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर की। दोस्तों, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जिसे सर जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मॉशली ने 1950 में बनाया था। यह पहला ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका यूज वेदर प्रेडिक्शन और साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाने लगा। इसके बाद बात करते हैं एडवैक, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की। दोस्तों, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था। यह कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ साथ डेसिमल नंबर सिस्टम भी रिप्रेजेंट कर सकता था। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को भी होल्ड करके रख सकता था। इसका इन्वेंशन सर जॉन वॉन न्यूमन ने 1950 में किया था। जी हाँ, ये वही है जिन्होंने हमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बताया था। लास्ट नंबर आता है यूनिवैक का, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो बाजार में बेचा गया था। इसे सर जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉशली ने बनाया था। इसका यूज लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट और लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट के लिए किया जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की पहली प्रोग्रामर के बारे में, जो एक लेडी थी, जिनका नाम अगस्ता एडा बायरन था। और दोस्तों, दुनिया की पहली कंप्यूटर कंपनी का नाम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी था, जिसे सर जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मॉशली ने बनाया था 1949 में। आई होप गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।